नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज। खबर है 12 से, जहां पर शहर में बदमाश बेखौफ, सरेआम गुंडागर्दी कर बाइक सवार, दो युवकों से मारपीट कर बाइक तोड़ी। मौके पर मौजूद पुलिस के जवान बना रहे घटना का वीडियो। 12, शहर में लगातार बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं और आए दिन सरेआम लोगों के साथ मारपीट व छीना झपटी कर रहे हैं। रविवार रात 9 बजे अम्बेडकर सर्किल पर एक दर्जन से अधिक हथियार ले इस बदमाशों ने बाइक सवार दो युवकों साथ मारपीट कर बाइक तोड़ दी। घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां तैनात पुलिस कांस्टेबल घटना को रोकने के बजाय घटनाक्रम का वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। मामला मामूली बाइक अड़ जाने का बताया जा रहा है, मगर बाइक अड़ जाने जैसी मामूली बात पर सरेआम तांडव मचाना बदमाशों का ही काम है। उक्त बदमाशों के द्वारा कुछ दिन पूर्व भी एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, मगर पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके चलते उनके हौसले बुलंद हैं। जानकारी के बाद 12 पुलिस अधीक्षक ने दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। ये अंबेडकर सर्किल की घटना है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये कल जो अंबेडकर सर्किल पे जो घटना हुई और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जी के लड़के के ऊपर जो हमला किया गया, वो बड़ा निंदनीय है। और सबसे बड़ी निंदनीय बात है कि दो दो पुलिस कर्मी मौके पर मौजूद थे और तमाशबीन बनके देखते रहे, ये बड़ा निंदनीय विषय है। और इसके बारे में हमारे विधायक जी ने और हम सब ने एसपी साहब से बात की, तो एसपी साहब इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए दोनों पुलिस कर्मियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया है। और 12 जिले के अंदर, पूरे 12 जिले के अंदर अपराध चरम सीमा पर है। स्मैक सरेआम स्मैक बिक रही है, गांजा बिक रहा है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, तो एसपी साहब को इस बात पर विचार करना चाहिए। पुलिस प्रशासन की जो नाकामी है अब जगजाहिर हो चुकी है, पुलिस प्रशासन को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बढ़ती हुई चोरियां, जो व्यापारियों के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही है, बढ़ती हुई इतनी चोरियां हो रही है कि उस पर भी लगाम नहीं लग पा रही, तो इस बारे में हम एसपी साहब से हमने बात की है और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस पर तुरंत बड़ी कार्रवाई करने की उनकी प्लानिंग। खुलेआम जो चोरियां है, मुख्य चोरियां पर जो सट्टा चल रहा है उसके बारे में क्या? बिल्कुल, सट्टा पूरे 12 में हमने एसपी साहब से 2-3 बार पहले भी अवगत कराया है कि सट्टा और जितने भी स्मैक और जो नशे के जो कारोबार है, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए और प्रभावी रोक लगाई जाए, और जो लिप्त है इसमें उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ठीक है सर।